नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए डीजीआर के माध्यम से गैर सरकारी और सरकारी विभागों में वैकेंसी आया है और यहां देख सकते हैं एक सर्विसमैन जेसीओआर के लिए वैकेंसी, जो कि डायरेक्ट वैकेंसीज भी हैं जिन्हें कहीं जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से नहीं डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा काफी सारे ऐसे वैकेंसीज हैं जिसे जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से भी भेजना है और ये काफी वैकेंसीज हैं जो गैर सरकारी और सरकारी विभागों से हैं। तो आइए चेक करते हैं पूरे डिटेल्स में। तो जो सबसे पहला वैकेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ग्रुप सी का पोस्ट है। पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर। पे बैंड 1 का सैलरी रहेगा, उसके बाद ग्रेड पे 2400 का इसमें है। इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए 12th पास और डाटा एंट्री का नॉलेज। प्लेस ऑफ इनिशियल पोस्टिंग न्यू दिल्ली का दिखाया जा रहा है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 1 यानी 1। लास्ट डेट है 22 नवंबर 2022 जिला सैनिक बोर्ड से नाम भेजने के का डेट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का जॉब है और पूरे इसमें जो जितने भी सैलरीज हैं, क्या सैलरी रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद किन किन लोकेशन से वैकेंसी आया है, इसे आप नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा इसका लास्ट डेट है 22 नवंबर 2022 और नीचे चेक कर सकते हैं। सैलरी भी यहां दिया हुआ है, क्या सैलरी रहेगा, क्या इसमें परफॉर्मेंस सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी पर ईयर का इसमें दिया हुआ है, हर लोकेशन के लिए है। इसके अलावा इंसेंटिव्स हैं इसमें, तो यहाँ चेक कर सकते हैं अपने लोकेशन वाइज। और इसमें पूर्व सैनिक के डिपेंडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और देखिए काफी सारे लोकेशंस के लिए हैं, पूरे ऑल इंडिया से इसमें है, नॉर्थ और नॉर्थ रीजन और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन से भी वैकेंसीज है। अब देखते हैं अगला वैकेंसी, जिसे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ग्रुप सी का पोस्ट है। पोस्ट का नाम है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें वैकेंसी, इसमें लेवल 1 का सैलरी है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसमें मैट्रिकुलेट चाहिए और नंबर ऑफ पोस्ट कितना, यूआर के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। लास्ट डेट है 22 नवंबर 2022। उसके बाद अगला वैकेंसी देखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर के लिए है और वो कौन सा कंपनी है, मेसर्स लिटिल जीनियस टॉयज प्राइवेट लिमिटेड यानी खिलौने बनाने वाली कंपनियां हैं। इसमें जो सैलरी रखा गया है वो 25,000 फिक्स है। जॉब लोकेशन ग्रेटर नोएडा का है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 है। ईएमई यानी आर्मी से अगर हैं तो ईएमई के बंदे यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों या उसी के इक्विवेलेंट नेवी या एयरफोर्स के बंदे एक्सपर्टिसमैन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 22 नवंबर 2022। इसके अलावा भी काफी सारे वैकेंसीज हैं जो कि हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए हैं, जैसे इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर है। बाकी इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, पूरा चेक कर सकते हैं अपने आप का और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि इसे अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसी तरह जैसे इस पेज पे आएंगे, इस पेज का लिंक भी नीचे दिया होगा, वहां से आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस पेज पे आएंगे और यहाँ विलिंगनेस फॉर्मेट होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ आपको डिटेल्स अपना फिल करके जिस लोकेशन के लिए आप भरना चाह रहे हैं, जो आपका प्रेफरेंस है, वो लोकेशन आप फिल कर दीजिएगा और इसे जिला सैनिक बोर्ड में सबमिट कर देना। यही सिंपल सा प्रोसेस है और कोई इसमें ज्यादा प्रोसेस नहीं है। HDFC वाले को छोड़ के बाकी सब जितने भी पोस्ट हैं सब जिला सैनिक बोर्ड के माध्यम से है। HDFC वाला, HDFC लाइफ वाला जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट उसमें नंबर दिया हुआ है, वहां से आप कॉन्टेक्ट करके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पूर्व सैनिकों के लिए डायरेक्ट वैकेंसी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।